मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, इदारे की बात कर रहा, इदारों की बात कर रहा। जिस तरीके से मुलव्वस हो गए हैं, ये क्या उनकी खैरखाई की बात है? जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को इन कामों पर लगा दें, ये जिस तरीके से जो क्रैकडाउन हुआ है मई 9 के बाद, और मई 9 के बारे में हम भी कई टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, कई दफ़ा रोना आता है, कई दफ़ा हंसी आती है। यहाँ पे जो घर था जिसे जिना हाउस कहते हैं, बाबा ए कौम को उसका कब्जा एक दिन के लिए नहीं मिला। मादरे मिल्लत कोशिश करती रही, एक दिन का कब्जा नहीं मिला। फिर मुंह वो जो अपना खुद की जो पैसे दे के वहां से जान छुड़ा ली। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं भी फोर्सेस का आदमी, मैं भी फौज में रहा, मैं तो सोचता हूं कि हम अपने तमाम इदारों के साथ, अपनी सियासत के साथ, अपने मुल्क के साथ हम करने क्या जा रहे हैं? कोई मकसद तो होना चाहिए। आज कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, तारीख भी दे दी है, मुबिम सी तारीख है, पर चलें एक दे दिए, पर किस तरीके से कराएंगे? तमाम यहां पे स्पीकर ने कहा है कि इस मुल्क का हल ये है कि साफ शफाफ इंतखाबात हो। मैं आपसे पूछता हूं, साफ शफाफ इंतखाबात जो आज हमारे अन्नदाता हैं, जो आज सब कुछ चला रहे हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? उनको रियलिटी इस मुल्क की नहीं पता? अगर वो कर सकते हैं तो इलेक्शन हो जाते। इसलिए ये समझ में आती है, अगर इलेक्शन कराने हैं तो मरहूम ज़ियाउल्लाह का एक बड़ा पसंदीदा जुमला होता था कि इलेक्शन तो बड़ी अच्छी चीज़ है, होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन के मुस्बत नतायज होने चाहिए। ये भी बगैर मुस्बत नतायज की जमानत के हमारी तो समझ ये इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त नहीं हो सकती। फिर बताइए, हमें कुछ ये तो बता दीजिए कि आपने कितनी एहतियात करनी है, कितनी एहतियात आपने करनी है कि आपका दिल राजी हो जाए कि हमें मुस्बत नतायज मिल जाए। एक हमें पता है, आपने 13 बार चौधरी परवेज इलाही को अंदर किया है, 10 बार और कर लेंगे। यास्मीन राशिद को अंदर किया हुआ है। कल मुझे, और ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, एक नून लीग के आदमी ने मुझे बताया, और एक नून लीग के लीडर के हवाले से उसने बताया, और फिर ये भी कहा यार यहां बात ना करना। नून लीग का लीडर हमारे नून लीग के हवाले को कहता है, और इन्हें पता नहीं है, और कैंसर की मरीजा बाहर आवे तो होना की है। इशारा यास्मीन राशिद की तरफ। वो जो आपकी 3-4 खवातीन यहाँ पे कोट लखपत जेल में है, वो तैयबा राजा, सनम जावेद, एक दो और हैं, वो लाहौर में, उनको टिकट मिले, आप बता तो दें मुझे, 3-4 नाम ले दें नून लीग के जो उनके खिलाफ खड़ा हो सकते, खड़ा या खड़ी हो सकती। एक माहौल मुल्क का ऐसे बन गया है, और किसने बनाया? इमरान खान की हुकूमत जब निकली थी तो पीटीआई की और इमरान खान की पॉपुलैरिटी, मकबूलियत इस अरूज पर नहीं थी। जिससे नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था, मकबूलियत का ये सिता नहीं थी। भाई आपसे खुद चीजें मैनेज नहीं हुई, ना आपसे सियासत मैनेज हुई है, ना मईशत मैनेज हुई है, ना ये जो आपने रंग बिरंगी हुकूमत निकाल वो लगा के बिठा दी थी, ये जो 16 माह का नाटक होता रहा है,
क्राइसिस तो 16 माह में हुआ है, हमारे कोई हालात पहले इतने अच्छे नहीं थे, पहले कोई हमारी माशी हालत इतनी सुनहरी हालत में नहीं थी, पर जो हम कहते हैं क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वजूद का बहरान, जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा पड़ रहा है, वो तो इस 16 महीने की पैदावार है। जब कर्ता धर्ता आप थे, अन्नदाता आप थे, फैसले आप ले रहे थे, आपकी डुगडुगी पर यह हुकूमत नाच रही थी पीडीएम की, और आपकी समझ में कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, अगर औरिया मकबूल जान को उठा के मसाइल हल होते हों तो मैं आज कहूंगा कि औरिया मकबूल जान को एक बार फिर उठा लें। चौधरी परवेज लाई अंदर है तो मसाइल हल हो जाने चाहिए ना, और बाकी अंदर हैं, ऐसे ऐसे हैं जिनका मीडिया पे नाम नहीं आ रहा, तो उससे क्या आपकी गिरफ्त में आ जाएगी चीज? आप हालात को कंट्रोल कर लेंगे? हालात को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। ये जो पाकिस्तान की हालत बन गई है, ये जो हमारी हालत भिखारियों से ज्यादा बदतर हो गई है, इसका आप क्या करेंगे? आपके पास कोई आंसर्स हैं? जो आपके पेशरों थे पहले, जो पहले जमाने के ताले आजमा थे, आपसे बड़े लोग थे, उनका कद काठ आपसे ज्यादा था, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक, सब कुछ उनसे, वो क्या पाकिस्तान की तकदीर को संवार गए थे? इस बदनसीब कौम के तमाम बड़े बहरान, तमाम क्राइसिस, ये तब उन्होंने जन्म लिया जब कोई ना कोई शाहसवार, कोई ना कोई ताले आजमा बैठा हुआ था। आज तो हमें, हम कहां जाएं? हमें तो अभी छुपने का कोई जगह नहीं रह गई। हम तो हिंदुस्तान का नाम सुनते हैं तो हमें शर्म आ जाती है। हम उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखते हैं, हमें शर्म आ जाती है। वो चांद पे पहुंच गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमसे क्या हुआ है?